सर, आजकल खेतों में टॉप बोरर की बात हो रही है, क्या है टॉप बोरर, इसके बारे में बताइए। देखिए, टॉप बोरर एक कीड़ा है और इसमें ये कीड़े की तितली होती है, वो सफेद रंग की होती है। ये क्या होता है कि गन्ने की पत्तियों पे आकर के और ये डंक देती है, डंक देने के बाद अपने अंडे जो है इसमें पत्ती में डाल देती है और वो आकर के उसके अगोले में बड़ा हो जाता है और वहाँ पे जाकर के वो कीड़ा एक तरीके से उसी में पलता है, बड़ा होता है। तो जिस समय कीड़ा पत्ती तितली जो है गन्ने की पत्ती में अपने अंडे देती है, उस टाइम पे इसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि बाद की स्थिति में इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है और इसकी कई पीढ़ियां होती हैं। शुरुआत में आप ये समझें कि इसकी 5 से 7 पीढ़ी तक होती है, अप्रैल से लेकर के और अक्टूबर नवंबर तक इसके स्टेजेज अलग अलग आती हैं। हर 2 महीने के बाद इसकी स्टेज बदलती है और किस समय पर ये गन्ने में लग रहा है उसी के हिसाब से इसका नुकसान आता है। तो क्या क्या दवाइयाँ इसके लिए मार्केट में उपलब्ध है, किसान को क्या देखरेख करनी चाहिए इसको लेकर के? देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तो ये है कि मैकेनिकल है। मैकेनिकल में है गन्ने की पत्ती की निचली सतह पे एक हल्के पीले कलर का अंडों का समूह होता है, वो जब पत्ती पे दिखाई दे तो पत्ती को उसके साथ तोड़ करके और नष्ट करना जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिससे कि उसकी अगली पीढ़ी आगे ना बढ़ सके। इसके बाद अगर गन्ने के भीतर कीड़ा आ गया है तो ये देखने में आता है कि उसकी ऊपर की जो पत्तियाँ उसमें छेद हो जाते हैं और पत्ती जो है जलने सी हो जाती है, तो ऐसी स्टेज में उस गन्ने को पूरी तरीके से जड़ से पास से काट देते हैं, जिससे कि कीड़े के साथ पूरा गन्ने के साथ कीड़ा भी नष्ट हो जाता है। और आखिर में आकर के मई के 2 सप्ताह में कोराजन जो दवा है उसका ड्रेंचिंग करते हैं, 150 ml की सीसी आती है उसकी, और उस 150 ml की सीसी को 300 लीटर पानी में लगा करके और जो नोजल है स्प्रेयर के जो नोजल है उसको पूरी तरीके से खोल करके और गन्ने की जड़ों के पास उसे देते हैं और उसके बाद सिंचाई करते हैं। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि खेत खुश्क होगा शुरू में, जब हम उसमें ड्रेंचिंग कर देंगे उसके बाद सिंचाई करेंगे, और ये तब करेंगे जब खेतों में तितली दिखाई देने लगेगी, और औसतन देखा जाए तो मई के 2 सप्ताह में तितली दिखाई देने शुरू होती है, जैसा कि इस समय दिख रही है।